नहीं है कोई हनक भनक शासन का और नहीं है कोई कानून का डर। गायों का आहार यही कचरा जो इनके बहुमूल्य जीवन के साथ खतरा उत्पन्न कर रहा है। हम हैं वाराणसी में, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि वाराणसी में हम इस समय सुंदरपुर में खड़े हैं और नगर निगम का यह कर्मचारी ठेला गाड़ी पर खुलेआम कचरा लेकर आया और परोस दिया गायों को, जिन गायों के लिए आज केंद्र से लेकर के प्रदेश सरकार संवेदनशील हैं उत्तर प्रदेश में, और लगातार गोवंश की रक्षा के लिए कड़े कानूनों के अनुपालन से लेकर लगातार कठोरता दिख रही है, किंतु कहीं ऐसा कुछ है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार वाराणसी आना हो रहा है क्योंकि यह माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, पौराणिक और धार्मिक नगर है, यह देश का प्राण तत्व है। एक और कचरा की गाड़ी आ गई, आप देख रहे हैं, इसे भी सड़क पर ही गिराएगा। इस तरह से वाहन आ जा रहे हैं और यह नगर निगम की ही गाड़ी है, आपको स्वच्छता की बात लिखी गई है, स्वच्छ काशी कहा गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस गाड़ी ने भी कचरा गिराया और यह भी अब जाएगा कचरा बटोरने, और कचरा ऐसे ही रहेगा। यहाँ गाय इसको कुछ कम करेंगी, जिन गायों के बारे में देखिए कचरा बटोरने वाला भी आ गया, उसके भी पढ़ने का समय है, किंतु वह इस काम में लग गया है और हाथ में इसने कोई दस्ताना वगैरह कोई सेफ्टी नहीं है, ऐसे ही उठा रहा है। इसमें मेडिकल कचरा भी हो सकता है और उसके साथ ही भयंकर रोगों में प्रयोग किया गया सिरिंज भी हो सकता है जो उसके जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा। उधर भी आप हमारी यहाँ दृष्टि जा रही है, आगे भी आप देखेंगे, और इधर बीच सड़क पर ही एक नंदी खड़े हैं, देखिए किस प्रकार वाहन आ जा रहे हैं, और यह अभी कभी इनका मूड घूमा तो यह भी पटक देंगे, बच्चों को घायल कर देंगे, किसी वाहन के लिए या खतरे का सबब बन जाएंगे। तो यहाँ गायों से लेकर के सुअर तक, और अभी कुत्ते दिख नहीं रहे हैं, वो लोग भी आएंगे, वो लोग भी इसमें हार खोजेंगे। इधर कभी कलकल बहने वाली असी नदी को आप देख रहे हैं, यही असी नदी है जहाँ हम खड़े हैं, यह जाकर के रविदास घाट पर मिल जाती है। यह तो केवल और केवल जलमल, इसे अब नाले का रूप दे दिया गया है, शायद ही पुराने लोग बता पाएंगे कि यह नदी है, सब लोग इसे नाले के रूप में जानते हैं। देखिए उस पर बछड़े लोग बैठ गए हैं, इसमें गायें भी हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, बहुत हो गया, चलाइए डंडा, पुचकारने से ये लोग नहीं सुधरेंगे। नगर निगम अभी योगेश्वर राम मिश्रा साहब यहाँ के जिलाधिकारी हैं। डीएम साहब, मैं आप ही को इंगित करके कह रहा हूँ, आपके ही बयान पर, आपने महीनों पूर्व कहा था कि अब एक भी छुट्टे पशु वाराणसी की सड़कों पर नहीं दिखेंगे, ये हो क्या रहा है? यदि जिनकी गायें हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती, और कोई नया कानून हम बनाने की भी बात नहीं कर रहे हैं, यह तो अंग्रेज़ों के ज़माने से कानून बना हुआ है कि छुट्टे पशुओं को नगर निगम के कर्मचारी ले जाते थे, उन्हें रखते थे, उन्हें खिलाते पिलाते थे और पशु स्वामी से जुर्माना वसूल करते थे। यहाँ किसी मरे हुए जानवर की गंध भी आ रही है, दुर्गंध आ रही है, और यह देख लीजिए, यह पुलिया है साहब, इधर भी मैं दिखा देता हूँ, और इधर लोग खड़े हैं, कुछ लोग तमाशा भी देख रहे हैं, यह देख सकते हैं सुअरों का बाड़ा बना हुआ है और यह गायें हैं। एक लड़का और आ गया, देखिए पढ़ने लिखने का समय है लेकिन कूड़ा बटोर रहा है और कूड़े पर झपट्टा मार रहे हैं, देखिए लड़ हो गई लड़ाई।
हो गई लड़ाई। अभी मैं इसी से पूछ रहा हूँ, पता नहीं जवाब देगा कि नहीं देगा। क्यों तुम पढ़ने नहीं जाते हो बेटा? ए लड़के, तुम पढ़ने नहीं जाते हो? कहाँ जाते हो? तो आज तो नहीं गए हो तुम? क्यों? और इधर आ जाओ, क्या बोल रहे हो? गांव में पढ़ते हो तो कूड़ा बटोर के कहाँ ले जाते हो? तो तुम्हारे हाथ में चोट भी तो लग सकती है, इसमें ब्लेड होगा, सिरिंज होगा। अच्छा, चोट लग गई है, इसी से लगा है। देखें, देखिए जो चोट इसको लगा है, इससे इसका बहुमूल्य जीवन संकट में पड़ सकता है। और कोई घर पर नहीं? तुम्हारे, तुम बताओ, तुम पढ़ाई क्यों नहीं किए? ये साहब, चलिए टोका टाकी करते रहेंगे, हस्तक्षेप करते रहेंगे, लोगों को समझाते और बताते रहेंगे, और कानून का पालन कराने के लिए हम हमेशा अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते रहेंगे। आशा है इनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। यही कर सकता हूँ, चिल्लाने से रोकेगा कौन? जाओ तुम पढ़ने जाओ, अपने मम्मी पापा से कह दो हम यह काम नहीं करेंगे। दोस्तों, आज हम हैं 3 फरवरी 2018 को वाराणसी स्थित सुंदरपुर में, गंदी जगह पर, 80 नदी के किनारे, जो जलमल का लबादा ओढ़े हुए मुंह चिढ़ा रही है, और स्वच्छता अभियान का जो नारा दिया गया है। देखिए, फिर लड़ाई इन लोगों में हो गई।